एक ऐसा मामला सामने आया है जो शर्मसार कर देने वाला है। 12 साल तक एक जीजा अपनी साली को ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता नाबालिग उम्र से ही ब्लैकमेलिंग सहती आ रही थी, लेकिन उसका साथ दिया उसके पति ने। जब उसको इस बात का पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत दी। इस मामले ने जीजा और साली के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जीजा ने बेशर्मी व रिश्तों की सभी हदें पार करते हुए नाबालिग उम्र में ही लगभग 13 साल में ही साली की अश्लील वीडियो बनाकर 12 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। मामला तब खुला जब साली की शादी हुई। शादी के लगभग एक साल बाद पीड़िता ने अपने पति को सारी आपबीती बताई और सारी घटना सुनकर पति के भी होश उड़ गए। तब पति अपनी पत्नी को लेकर पुलिस थाने में पहुंचा और सारे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने भी तुरंत से कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना में किसी लड़की ने कंप्लेंट दे दी कि उसके साथ उसके जीजा ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उस पर वीडियो बनाकर उसके साथ गलत काम किया और उसको ब्लैकमेल किया है, जिसके संबंध में थाना सनौली में केस रजिस्टर कर दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। जो तथ्य फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये 10-12 सालों से बताया जा रहा है, 10-12 सालों से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। उस टाइम नाबालिग थे, मुझे 10-12 साल पहले की बात बता रही है, उस टाइम नाबालिग थी, उसके हिसाब से कार्रवाई की। हाँ, उसको 348, 354, 376, 506 के तहत फोक्सो के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी विजय सिंह ने बताया कि सनोली थाने में एक पीड़ित महिला ने शिकायत दी है कि जीजा ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत काम किया और अश्लील वीडियो भी बनाई, जिसके बाद जीजा उसे ब्लैकमेल करने लगा। एएसपी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी जीजा साली को पिछले 12 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने बताया कि जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय पीड़िता नाबालिग थी। वहीं एएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट का केस आया है, अराउंड 25 ईयर फीमेल है। उसने एलिगेशन लगाई है कि उसके साथ अराउंड 2 साल पहले सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और किया उसके अपने रिलेटिव नहीं है, क्लोज रिलेटिव है। अंडर ड्यूरेस मतलब ब्लैकमेल एंड सेडेशन देके उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, नहीं उसके क्लोज रिलेटिव थे उसके जीवन। वहीं डॉक्टर ने बताया कि 25 साल की महिला से इस वारदात के होने के बारे में उन्हें मामले का पता लगा है। उन्होंने बताया कि महिला ने आरोप लगाए हैं कि 2 साल पहले नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया था। फिलहाल पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है।